Subscribe and press the bell icon to never miss another video of Bhakti Charu Swami. Chidananda Vigraha Anadir Adir Govindaha Sarvakaran Karanam. इसका मतलब क्या है? किसको पता नहीं है? सबको पता है मतलब? ओके, वेरी गुड. ईश्वर परम परम, हम बोलते हैं ना परम ईश्वर, परमेश्वर. तो वही है ईश्वर परम. ईश्वर मतलब नियंत्रण करने वाला, मालिक. और परम ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण. सब कुछ के मालिक कौन है? परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण. ईश्वर परम कृष्ण. भगवान क्या कोई साधारण इंसान है? इंसान का शरीर यद्यपि देखने में लगता है भगवान जैसा, बल्कि वो बना हुआ कैसे? वो शरीर कैसे बना? हमारे शरीर मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश. लेकिन भगवान का शरीर कैसे बना? सच्चिदानंद विग्रह. ये तीन आध्यात्मिक, बोल सकते हैं कि तीन आध्यात्मिक पदार्थ से बना हुआ है. वो तीन आध्यात्मिक पदार्थ हैं सत, चित, आनंद. जो कभी, जिसका विनाश नहीं होगा, सत, अविनाशी. भगवान का मृत्यु होगा कभी? लोग कह सकते हैं हाँ भगवान का तो मृत्यु हुआ था. एक ब्याद बाण चलाया और भगवान का पैर में वो बाण लगा. सोचा था कि वो कोई हिरण होगा. जैसे भगवान को पैर को लग रहा था कि वो एक हिरण का जो कान होता है वैसा. लेकिन भगवान का देहांत हो गया. इस सिलसिले में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, अजोपिशन अभ्यात्मा. अज, मेरा जन्म नहीं होता है. तो जिसका जन्म नहीं होता उसका मृत्यु कैसे होगा? जो अव्यय है, जो अविनाशी है, उसका नाश कैसे होगा? अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं साम अधिष्ठाय. भगवान अपना प्रकृति, अंतरंगा प्रकृति, जोगो माया की प्रभाव से भगवान संभवामी प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं. हम कैसे आते हैं? जन्म के माध्यम. भगवान ऐसे प्रकट होते हैं. कभी कभी वैसे इंसान जैसे लीला करते हैं, नर लीला. और कभी कभी एक स्तंभ से निकल जाते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु. कभी कभी ब्रह्मा के नाक से निकल जाते हैं, ब्रह्मा के नाक से आ जाते हैं, वराहदेव. और कभी कभी ऐसे सीधा आ जाते हैं द्वारका से. द्वारका से चले गोपाल गरुड़ के बिछारे. गजेंद्र को रक्षा करने के लिए भगवान सीधा द्वारका से आ गए. तो ये हैं भगवान. हम क्या बोल सकते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत के जगत से ऐसे ऐसे आ गए हैं अपनी इच्छा के मुताबिक? नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते. मेरे, हमारे लिए कुछ भी संभव नहीं है. हम अपने कर्म की बंधन से, कर्म के द्वारा प्रभावित होकर हमारा शरीर मिलता है.
ये कभी मनुष्य का शरीर मिलता है, कभी जानवर का भी शरीर मिलता है, कभी देवता का शरीर भी मिलता है। तो वैसे हम 84 लाख योनि में भ्रमण करते हैं। कर्म के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है। याद है ना, दामोदराष्टकम में हम गाते हैं, कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव जद्वत। कुबेरात्मजो कौन है? कुबेर का दो पुत्र कौन है? नल कुबेर और मणिग्रीव। क्या हुआ था उसको? था स्वर्ग के देवता, बल्कि बन गया क्या? पेड़। ऐसे कर्म के नाते हमको ऐसे शरीर मिलता है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं। भगवान किसी भी शरीर लेकर आ सकते हैं, जैसे भगवान मछली के शरीर लेके आ गए, एक सूकर का शरीर लेके आ गए, एक सांप के शरीर लेकर आ गया, एक घोड़े के शरीर लेके आ गया। तो वह और एक आधा शेर और आधा मनुष्य के रूप में अर्ध नरेश्वर नरकेश्वरी के रूप में आ गया। ऐसे भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार, और जो काम करते हैं वो काम के अनुसार। जैसे वेद का उद्धार करने का ज़रूरत पड़ा, सारा संसार पानी में डूब जाएगा, तो सारा संसार अगर पानी में डूब जाएगा तब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन वेद को उद्धार करना है, वेद अगर नहीं रहेगा तो आध्यात्मिक भावना को नहीं हम प्राप्त हो सकेंगे। इसलिए भगवान वेद के उद्धार करने के लिए क्या हुआ? मछली बन गए, क्योंकि पानी में रहना होगा, तो पानी में रहने का उपयुक्त शरीर कैसी है? मछली का शरीर, मत्स्यावतार। धरती गिर गया जो गंदा जगह में, तो गंदा जगह में कौन जा सकता है? सुअर। भगवान सुअर के रूप लेकर धरती को उद्धार किया। ऐसे आपने जो कार्य संपादन करना होगा उस कार्य के अनुसार भगवान ऐसे रूप लेते हैं। प्रह्लाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु का वर्ष ब्रह्मा से बड़ मिला था, कोई भी उसको मार नहीं सकेंगे। देवता, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, मनुष्य, जानवर, सब कुछ कवर कर लिया था। किसी के द्वारा उसका मृत्यु नहीं होगा। ठीक है, मनुष्य के द्वारा मृत्यु नहीं होगा, जानवर के द्वारा मृत्यु नहीं होगा, तो आधा मनुष्य आधा जानवर बन गया, तो बस कंडीशन टूट गया। जो कंडीशन वो बनाया था ब्रह्मा के साथ वो खत्म हो गया, आ गया अर्ध नरेश्वर के नरकेश्वरी के रूप में। तो ऐसे भगवान अपनी इच्छा के मुताबिक शरीर अपनाते हैं। परमे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारण। तो हम जो कृष्ण भगवान को सेवा करते हैं, उनके पास अपने आप को समर्पण किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि कारण क्या है? आप भगवान हैं और हम आपका अंश हैं। आप परम पिता हैं, हम आपके संतान हैं, तो इसलिए आपके पास अपने को समर्पण करना चाहिए। ये शिक्षा ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी कौन है? हमारे परम गुरु, हमारे संप्रदाय की आचार्य, जिनके माध्यम इस हमारे जो संप्रदाय हैं, ब्रह्मा संप्रदाय, ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय, उसका प्रवर्तन हुआ है ब्रह्मा जी के द्वारा।
तो ऐसे ब्रह्मा जी हमें शिक्षा दे रहे हैं। किसको मानोगे, क्यों मानोगे, जिसको मान रहे हो वो कौन है, ये शिक्षा हमें दे रहे हैं। तो पहले क्या बता रहे हैं, कहाँ रहते हैं, ऐसी एक जगह में रहते हैं जो जगह चिंतामणि से बना है, वो है वन। और वहाँ के जितने सारे पेड़ों हैं वो सारे कल्प वृक्ष हैं। वहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, गाय चराते हैं, एक दो गाय नहीं, लाखों करोड़ों गाय, केवल भगवान का ही 90 लाख गाय, लगभग 1 करोड़ के नज़दीक गाय है भगवान का, है तो अंतहीन अनंत, बल्कि ऐसे हमारे सुविधा के लिए कुछ नंबर दे रहे हैं। और इसका मतलब क्या होता है अंत में, बहुत ज़्यादा, हेल ऑफ अ लॉट, कितना है, बहुत सारे गाय। और भगवान केवल एक अकेला ही नहीं गाय चरा रहे हैं, अपने अंतहीन सखाओ हैं और सखाएं के साथ भगवान गाय चरा रहे हैं। कितने गाय भगवान के हैं, और सारे गाय हैं सुरभि गाय, सुरभि रभि पालयंतम। और वहाँ भगवान गोपियाँ के साथ लीला विलास कर रहे हैं। तो गोपियाँ कौन है, लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम से बुमान, हजारों लक्ष्मियाँ भगवान को सेवा कर रही हैं। तो ऐसे भगवान को स्वीकार करना चाहिए या इनकार करना चाहिए? और भगवान को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन अपना सफल बना ले, जीवन सफल बन जाता है। भजरे हरि का नाम रे। तत्पश्चात भगवान का रूप कैसे है, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान का हाथ में भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, और वो बांसुरी बजाने में भगवान बहुत ही दक्ष हैं। वेणु कनंतम, कनंतम बजा रहे हैं, वेणु कनंतम और अरविंद दलाय ताक्षम, कमल के पत्ते के जैसे भगवान के विषय आँखें हैं, विस्तृत आँखें, ब्रॉड लार्ज आईज, अरविंद दलाय ताक्षम। और बरहावताम, उनके सर पर मयूर पंखे है ना, कुछ देखने में कुछ याद आ रहा है, देखकर कुछ याद आ रहा है, अरविंद दलाय ताक्षम, बरहावताम समासिताम बुध सुंदरांगम, सुंदरांगम, उनका चेहरा इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि ओ कंदर्प कोटि कमनीय, कोटि करोड़ों करोड़ों कंदर्प को मोहित कर देते हैं। ये एक कंदर्प इस ब्रह्मांड के सारे जीवों को मोहित कर चुके हैं, एक कंदर्प सारे जगत को मोहित कर दिया, और आप सोचो करोड़ों कंदर्प भगवान को रूप देखकर मोहित हो गए हैं, तो कितना सुंदर है भगवान। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। तो और ऐसे जो भगवान है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, मैं आपको भजना करती हूँ, करता हूँ, भक्ति कर रहा हूँ,
और तत्पश्चात आलोल चंद्र कला सद, आलोल चंद्र कला सद वनमाल वंशी। भगवान जब चल रहे हैं उनके छाती पर, गले पर चंद्रहार और वनफूल के माला, आलोल चंद्र कला सद वनमाल वंशी, हाथ में बांसुरी, रत्नांगदंग, रत्न से विभूषित हैं भगवान के श्री अंग, रत्नांगदंग। और भगवान क्या कर रहे हैं, प्रणय केली कला विलासम, प्रणय केली कला विलास कर रहे हैं। He is having loving exchange with the cowherd damsels of Vrindavan. यह इस रूप से ब्रह्मा जी गोलोक में भगवान को दर्शन कर रहे हैं। तो ये तीन वर्ष हम कल किया था, तो इसके पश्चात आज हम विचार करेंगे। मैं देखता हूँ तीन दिन में, गिव मी वन बुक, अच्छा ये कौन ये किया, डिड यू मेक दैट। ये अंगानी और यस्य दो अलग अलग शब्द हैं, मैं सोच रहा था अंगानी यस्य का क्या कहाँ से आए अंगानी यस्य, यस्य का मतलब जिनके, जिनके अंगानी मतलब अंग के मतलब शरीर, अंग यस्य जिनके सकल इंद्रिय वृत्तिमंती, सकल इंद्रिय सारे इंद्रियों की, वृत्तिमंती वृत्तियों से युक्त, भगवान के सारे अंग इंद्रिय से युक्त हैं। अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमंती, पश्यन्ति देखते हैं, पान्ति पालन करते हैं, कलयन्ति प्रकट करते हैं, चिरम जगन्ति नित्य ब्रह्मांड को, आनंद चिन्मय आनंद आनंद, चित सत्य मय पूर्ण, चित मय सत वास्तविकता उज्जवल तेज से युक्त, विग्रहस्य जिनका विग्रह है गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। भजन का मतलब क्या है, भजन का मतलब भक्ति करता हूँ। जिनका दिव्य श्री विग्रह आनंद चिन्मयता तथा सत से पूरित होने के कारण परम उज्ज्वल हैं, जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्यान्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियां से युक्त है, जो चिरकाल से आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगतों को देखते पालन करते तथा प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजना करता हूँ। तो भगवान का दिव्य श्री विग्रह आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रह से, आनंद चिन्मय मतलब क्या, वो सच्चिदानंद फिर आ गए हैं। भगवान का श्री विग्रह दिव्य आनंद चिन्मयता तथा सच से पूरित हैं होने के कारण परम उज्ज्वल हैं, ज्योतिर्मय हैं भगवान।
कल मैं बता रहा था, इस भौतिक जगत में एक सूरज ज्योति दे रहे हैं, वैसे आध्यात्मिक जगत में भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलता है उसके द्वारा सारे आध्यात्मिक जगत ज्योतिर्मय बन गया है। और भगवान के प्रत्येक अंग सारे इंद्रिया का काम कर सकते हैं, मतलब भगवान आंखों से खा सकते हैं, हाथ से देख सकते हैं, हाँ, पैर से सुन सकते हैं। ये है भगवान का असीम अंतहीन गुण समूह। अंगानी जस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मंती, सारे इंद्रिया का वृत्ति भगवान के सारे अंग प्रकाश करते हैं और युक्त हैं। तो भगवान और हम में कुछ अंतर है? हम क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं कि हमारा हर अंग सारे इंद्रिया के काम कर सकते हैं? नहीं, केवल आंखें देख सकते हैं तो भी क्या देख सकते हैं, केवल भौतिक वस्तुओं को देख सकते हैं। कान सुनते हैं, जीवा के द्वारा रस स्वाद आस्वादन होता है, एक एक इंद्रिया एक एक काम करते हैं, लेकिन भगवान के सारे अंग सारे इंद्रिया का काम कर सकते हैं। जो चिरकाल से आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगत को देखते हैं, पालन करते हैं और सृष्टि करते हैं, प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजना करता हूं। अच्छा, तो इसके हम गा लेते हैं। फर्स्ट टाइम मेरे साथ, सेकंड टाइम विदाउट मी, एंड थर्ड टाइम आंखें मूंद कर। ओके। अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दसिंहय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेरी गुड। तो इस तत्पश्चात अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यांग पुराण पुरुषम नवजोवनंच वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। अर्थात अद्वैता, अद्वैत का मतलब क्या है, जिनका दूसरा नहीं है, अद्वैत अद्वितीय, अच्युतम कभी क्षय नहीं होने वाले, अच्युतम। भगवान को क्षय हो सकता है? भगवान का वजन कभी 75 किलो से कम होकर 70 किलो हो सकता है? नहीं, भगवान का रूप जैसा कि तैसा ही रहे है और रहेगा भी, और भगवान का शरीर का वजन हम इस भौतिक विचार से कर नहीं पा सकते हैं।
अब लेकिन भगवान का जो शरीर है हर समय ऐसा होता है, भगवान का भौतिक जगत में जो भगवान लीला करते हैं उस लीला में जन्म है, लेकिन गोलोक में जन्म लीला नहीं है। तो जन्म होता है एक बच्चा छोटा सा, और बड़ा होते 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 जब लगभग 14 साल के हैं, हाँ, बस उन्नाव किशोर रूप, बस कौन वो उस रूप में ठहर जाते हैं, उस रूप का परिवर्तन नहीं होता है। 14-15 साल के जो रूप हैं वो देखने में बहुत सुंदर होता है, हाँ, इसलिए भगवान का रूप वैसे नवकिशोर और गोपिया का रूप नवकिशोरी, बस द परफेक्ट एज। शास्त्र में कहा गया है कि उस उम्र के जो रूप है वो सबसे सुंदर होते हैं, और ये है भगवान का नित्य रूप, नित्य किशोर और नित्य किशोरी गोपियां। अद्वैतम अच्युतम अनादिम बिना किसी प्रारंभ से, बिना किसी प्रारंभ के, अनादिम आदि का मतलब जिसका अंत है, अनादि का मतलब जिसका अंत नहीं है, अनादिम अनंत रूपम जिनका रूप अनंत है या जिनके अनंत रूप हैं, आद्यम आदि सबसे पहले कौन थे, भगवान थे आदि पुरुषम, लेकिन आदि पुरुष होते हुए भी नवजौवनंच नौजवान नवजुवक। कोई कोई सोचता है भगवान, चूंकि भगवान सबसे पहले थे तो भगवान का रूप बुद्धा जैसा है, हाँ, क्रिश्चियन रिलीजन में वो सोचते हैं कि भगवान एक बुद्धा है, हाँ, बल्कि भगवान क्यों बुद्धा होंगे, सबसे सुंदर समय किस साल में, किन साल में, किस समय में होता है जीवन में, हाँ, युवावस्था में, हाँ, तो इसलिए भगवान का रूप जो है असल में नवजौवन च, यद्यपि भगवान आदि पुरुष हैं लेकिन भगवान नौजवान है, नवजुवक है। और वेदेषु दुर्लभम, वेद के द्वारा भगवान को पहचानना दुर्लभ है, संभव नहीं है, वेदों में अप्राप्त तो है, लेकिन अदुर्लभम अदुर्लभ, दुर्लभ का मतलब दुर्लभ, जिसको प्राप्त होना कठिन है, और अदुर्लभ मतलब जिसको प्राप्त होना कठिन नहीं है, किसके लिए, अपने आत्मभक्तों, भगवान के भक्तों के लिए भगवान सुलभ है, और बाकी सबके लिए भगवान दुर्लभ है, यानी वेदों के में वेदों से भी वेदों को भी दुर्लभ है भगवान, क्योंकि वेद में भी भगवान का वर्णन सही रूप से नहीं हुआ है। अदुर्लभम आत्मभक्तो, अर्थात वेद पाठ करके भगवान को जानना संभव नहीं है, चाहे वो वेदी हो, द्विवेदी हो, त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, या चक्रवर्ती हो, मुख्य उपाध्याय हो, चक्र हाँ भट्ट आचार्य हो, संभव नहीं होगा भाई, जब तक ना तुम दास बनोगे, जब तक दास नहीं बनते हैं, जब तक भगवान को नौकर नहीं बनते हैं, तब तक भगवान को प्राप्त होना संभव नहीं है। अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन दुर्लभम वेदेषु, अदुर्लभम आत्मभक्तो। तो ये गोविंद परमेश्वर भगवान श्री गोविंद को मैं, आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं
भजन करता हूँ। तो अच्छा, तो अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषम नवजौवनं च वेदेषु दुर्लभमात्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। वेरी गुड, थैंक यू। तत्पश्चात पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगमो बायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोपस्ति जत् प्रपदसिम न विचिन्त तत्ते गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। पंथा, पंथा का मतलब मार्ग, पथ। तू मतलब किंतु, कोटि शत हजारों लाखों, बत्सर वर्ष, संप्रगम्य त्याग तक व्याप्त, वायु वायु के, अथापि या मनसो मन के, मुनि पुंगवानम अग्रगण्य ज्ञानियों के, स वही मार्ग अपि केवल मात्र अस्ति हैं, यत जिनके प्रपदौ अंगूठे शिमने के अग्रभाग तक अविचिन्त तत्वे भौतिक विचार से परे गोविंदम गोविंद को आदि पुरुषम आदि पुरुष तम उनको अहम मैं भजामि भजन करता हूँ। चिन्मयता को प्राप्त करने के इच्छुक योगियों के प्राणायाम आदि वायु निरोधात्मक योग पद से अथवा निर्वेद ब्रह्मानुसंधान करने वाले श्रेष्ठ ज्ञानियों के भौतिक तत्व त्याग त्याग द्वारा ज्ञान पद से शतकोटि वर्षों तक साधन करने पर भी जिनके चरणारविंद के अग्रभाग तक ही पहुँच हो पाती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो बायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानम। मुनि मुनि ऋषि, हाँ, जो मनन करते हैं, मन की द्वारा चिंतन करके जो आध्यात्मिक तत्व उपलब्धि करना चाहते हैं या कोशिश करते हैं, उनमें से जो श्रेष्ठ है पुंगव, हाँ, पुंगव का मतलब है श्रेष्ठ। मुनि पुंगवानम अग्रगण्य ज्ञानियों के, चिन्मयता के प्राप्त करने के इच्छुक योगियों ने मतलब मुनि ऋषि आदि, वो लोग क्या करते हैं, प्राणायाम आदि वायु निरोधात्मक योग पद से योगियों ने क्या करते हैं, ये योग की जो अष्टांग योग का जो प्रक्रिया है उसमें एक ये है प्राणायाम। वो प्राणायाम का पद्धति क्या है, हमारे हम श्वास लेते हैं, श्वास लेने का क्या केवल दो ही तरीका है, मतलब दो ही एक्टिविटी है, दो है या तीन है,
कौन सोचते हैं दो हैं, कौन सोचते हैं तीन हैं? अच्छा आप बताइए, आप लोग हमको हिंदी में क्लास देने के लिए बोलते हैं और आप सब अंग्रेजी में ये कैसे विचार है? तो एक है इनहेल, एक है एक्सेल। इनहेल का मतलब क्या होता है हिंदी में? श्वास लेना और तोड़ना। ओके, इनहेल एक्सेल, और तीसरी? अच्छा, बहुत अच्छा। उसमें योग की पद्धति में क्या कहते हैं? वेरी नाइस, यू ऑल आर वेरी लर्नेड। आप योग की प्रक्रिया पूरी रूप से सीख लिए हैं। तो रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक त्याग, पूरक ग्रहण और कुंभक रोक देना। तो ये रोकने से ये हमारे जो आध्यात्मिक चेतना उसका विकास होता है ना? मैं ठीक बोल रहा हूँ क्या? योग की जो विचार है कुंडलिनी शक्ति को विचार है, आध्यात्मिक शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। कुंडलिनी क्योंकि जैसे एक सांप कुंडली पका कर रहता है, वो शक्ति हमारे मूलाधार में, मतलब हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम है, मेरुदंड, मेरुदंड के एकदम नीचे का जो अंश है उसे मूलाधार कहता है। और ये मूलाधार में ये शक्ति कुंडलिनी के रूप में है, कुंडली पकाकर है, जैसे एक सांप जैसे। और इसका प्रयोग होता है ये मूलाधार से लेकर जो पहली जो चक्र है, सात चक्र हैं, वो पहली चक्र जो है उन इन दोनों के बीच में इसका कार्यक्रम होता है। लेकिन योगी क्या करता है, उस चक्र को खोलते हैं योग के द्वारा। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते आते हैं सर के ऊपर जो सहस्रार है, हजारों पत्ते, सहस्र आर, उसके मतलब है हजारों पत्ते विशिष्ट एक कमल। हमारे जो ब्रेन सेंटर, ये जो मस्तक है वो है एक, उसका जो वो जो चक्र है वो है एक हजारों पत्ते विशिष्ट एक कमल जैसे। तो योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा वहाँ तक लेते हैं। लेकिन ये आप हमको विचार ये करना है, वो कमल क्या है? वो कमल है भगवान का धाम, सहस्रपत्र कमल गोकुलाखंग महत्पदम। तो क्या कमल तक ही पहुँचेंगे ना? कमल के ऊपर जो बैठे हुए हैं ये दंडायमान हैं, विराजमान हैं, उन तक जाएंगे। तो योगी लोग वहाँ तक जा नहीं सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कमल तक ही जाते हैं, बस वो फंस जाते हैं। और ब्रह्म संहिता में आप अगर पढ़ेंगे पहले का जो विचार है, उस विचार में जो भगवत धाम जो हैं, भगवत धाम दस दिशा में दस शूल हैं, त्रिशूल, आठ दिक् और ऊर्ध और आधा, ये लेकर दस, मतलब कहीं से भी घुस नहीं पाएंगे। वो जो भगवान को भक्ति बिना वहाँ प्रवेश करना चाहते हैं, वो शूल के द्वारा उस वो शूल सब उसको मारकर नीचे फेंक देता है। ये सारे विचार हमको सही रूप से समझना चाहिए, ना कि हम बोलेंगे
आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, आप जो कर रहे हैं ठीक है, जातो मत ततो पत, जितने सारे विचार हैं सब सही है। ये क्या भावना है, क्या सही विचार केवल एक ही है और बाकी सब जो है गलत है, ये हमको समझना होगा। विचार एक ही है, भक्ति के द्वारा ही भगवान के पास हम आप वापस जा सकते हैं, उनके बिना संभव नहीं है। इसका दृष्टांत देखो, दुर्वासा मुनि कहाँ तक गए थे, वैकुंठ तक चले गए थे, बल्कि वैकुंठ में रह नहीं पाया, यद्यपि कितने बड़े ऋषि हैं दुर्वासा ऋषि, शिव जी के शक्ति से उनका प्रकाश हुआ है, फिर भी यद्यपि वो वैकुंठ तक गया, रह सका वैकुंठ में नहीं, वैकुंठ से गिर पड़ा। भागवत में एक श्लोक आती है, ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस तज्जस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयो आरुज्य कृच्छेन परं पदं तथा पतंती अध अनादृत जुष्मदंग्रय। अर्थात ये यो व्यक्ति कमल नयन अरविंदाक्ष भगवान को अस्वीकार करके, अरविंदाक्ष और विमुक्त मानिना मुक्ति प्राप्ति के लिए आरुज्य कृच्छे न परंग पदम तथा, कृच्छ का मतलब है कष्ट स्वीकार करके, तपस्या जो है वो बहुत कष्ट स्वीकार करने से करना पड़ता है, तो तपस्या के द्वारा जो वहाँ तक भी परम पद तक भी पहुँच गए, फिर पतन्ति अधा गिर जाते हैं, क्यों, क्योंकि अनादृत जुष्मदंग्रया, क्योंकि वो भगवान की चरण कमलों का अनादर किया है, मतलब भगवान के चरण कमलों को स्वीकार नहीं किया है, भगवान को चरण कमलों को अस्वीकार करके वहाँ हम पहुँच नहीं सकते हैं। अच्छा, दस दिशा शूल के द्वारा उसको रक्षा हो रहा है, ताकि ट्रेसपर्सर्स कैनॉट प्रेजेंट दे, कैनॉट एंटर दे, अनाधिकारी व्यक्ति वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप एक विचार हम कर सकते हैं, वो भगवान के द्वार, वैकुंठ के द्वार कौन रक्षा कर रहे हैं पता है, हाँ, शिव जी, शिव जी जय विजय हैं, बल्कि उसके पहले भी शिव जी हैं, जय विजय तक भी वो पहुंच नहीं सकते हैं। ओके, जिम्नास्टिक हो रहे हैं, आरुज्य कृच्छे ना तो शिव जी का हाथ में क्या रहता है, त्रिशूल, शिव जी ने त्रिशूल के द्वारा उसको मारकर नीचे गिरा देते हैं, तुम आ नहीं सकोगे, उनका चेतना खो जाता है, इसके लिए चेतना खोकर पत्थर बन के आता है, हाँ, और कौन सी पत्थर, जैसे हीरे मोती, हाँ, थोड़ा सा ज्योति निकलता है और सोचता है अहं ब्रह्मास्मि। तो योगियों ने, ऋषियों ने ये योग के अभ्यास के द्वारा, तपस्या के द्वारा, पंथास्तु कोटि, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक पहुँच सकते हैं, भगवान के चरण कमलों का नख के नख तक, और वहाँ के जो ज्योति हैं उसके द्वारा मोहित होकर वहाँ रह भी नहीं सकते हैं, गिर जाते हैं, मतलब भगवान की भक्ति बिना आध्यात्मिक जगत में प्रवेश संभव नहीं है। ब्रह्म ज्योति में जो अगर है भी, उसको शरीर ग्रहण करके तब भक्ति अनुशीलन करने के पश्चात ही केवल भगवान के धाम में पहुंच सकते हैं।
तो इस श्लोक को हम अध्ययन कर मतलब आवृत्ति करेंगे। पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्मो वायो रथापि मनसो मुनि कुंगवाना सोप्यस्ति जत् प्रपद सिम्न विचिन्ततत्ते गोविन्दमादि पुरुष तमहं भजामि। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो राधाचरण प्रभु, मैं सोच रहा था कि ऐसे तो और दो क्लास में मैं पूरा नहीं कर पाएंगे, तो शाम को भी ब्रह्म संहिता की चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा। ब्रह्म संहिता चर्चा करेंगे और उसकी उस तत्पश्चात भजन करेंगे। और मैं बोला था मैली चादर गाऊंगा मैं। मैली चादर ओढ़ के जी। ठीक है, आज शाम को तीन बार। अच्छा हाँ, हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे हरि। तो 5-10 मिनट में ले लेते हैं कोई प्रश्न अगर है किसी को। अच्छा माइक। आपका स्वर काफी तेज है। साढ़े 9 बजे। अच्छा ठीक है, ये प्रश्न और नहीं, शाम तक अगर होता है तो हो जाएगा पूरा। हाँ लेकिन प्रश्न ले लेते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। और आपकी मधुर आवाज से तो ब्रह्म संहिता और मधुर हो जाती है। और क्वेश्चन ये है कि अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि शिव जी त्रिशूल लेके खड़े हैं, तो वो किनको रोकते हैं, मतलब वो त्रिशूल किस किस को, योगी को कि मतलब जो भक्ति बिना उस जगत में प्रवेश करना चाहते हैं। हाँ मतलब जिसको जग अनधिकार प्रवेश, अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है, लेकिन जबरदस्त प्रवेश करना चाहते हैं। हाँ टिकट नहीं है, घुसना चाहते हैं, अंदर जाना चाहते हैं, तो गेट कीपर के रूप में उनको निकाल देते हैं। और 10 शूल क्या है वो? 10? हाँ 10 शूल आपने बताए ना। शूल है ये शिव जी के हाथ में जो त्रिशूल होता है। वो त्रिशूल 10 दिशा है। okay. और एक एक दिशा एक एक शूल के द्वारा रक्षित हो रहा है। थैंक यू हरे कृष्ण। ये जानवी यू हैड अ क्वेश्चन। ये ओ अच्छा कलावती। अच्छा ठीक है आप बोलिए। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपने बताया कि भगवान आंखों से भी खा सकते हैं और हाथ से देख भी सकते हैं, तो फिर हमको भोग लगाते समय बांसुरी बार बार निकालना चाहिए कि सिंगार है वही रहना चाहिए? देखना पड़ेगा कि भगवान खा चुके हैं या नहीं। तो आंखों के द्वारा जब भगवान खा लेते हैं, खाने के पश्चात वो पूरा कर देते हैं प्लेट, ताकि आप नहीं रोते हैं कि सब कुछ खा लिया है भगवान, हमारे लिए कुछ नहीं रखा है।
भक्ति के द्वारा भगवान के पास निवेदन कीजिए, अर्पण कीजिए, बस तत्पश्चात भगवान के प्रसाद के रूप में भगवान के प्रसाद ग्रहण कीजिए। जब वो प्रसाद लगाती है तो बांसुरी निकालती है ऑफर करते समय, सो भगवान तो आंख से खाते हैं तो उनका हाथ। अच्छा अच्छा ठीक है, हमार आत्मवत मन्नते जगत, हम अपना जैसे हो ऐसे हम जगत को, सारे जगत को देखते हैं। क्योंकि हम हाथों से खाते हैं, हाथों से नहीं हाथ से खाते हैं, तो हम सोचते हैं कि भगवान खाते हैं, तो बसरी अगर रह गया तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए हम बासुरी निकाल लेते हैं। अनंत शेष दूसरा ये कि जैसे इस्कॉन में फिलॉसफी बहुत ही क्लियर है, तो लेकिन कई लोग हैं जो सुनने के बाद भी अपने कंक्लूजन पे रहते हैं कि सब एक ही है, किधर भी चले जाओ, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब आपको समझ गए होंगे, लेकिन बहुत टाइम बाद भी जब यही सुनने मिलता है तो हमको बहुत तकलीफ होती है, और उसको जैसे कुछ सटीक और बहुत सुंदर आंसर हो जो हम उनको दे सकें। नहीं, सुनने के बाद नहीं, वो सुनते नहीं है। सुनते नहीं है इसलिए समझ नहीं, समझ में नहीं आता है। जो सुनते हैं सही रूप से वो स्वाभाविक रूप से इसको अपनाते हैं। क्या करना चाहिए? प्रसाद देना चाहिए। प्रसाद खिलाते रहो, शायद प्रसाद के कारण और तुम्हारे संग के कारण वो भी भक्त बन जाएंगे। नहीं, माला भी नहीं लिए, कर से गिनती करते हैं, एक हाथ से 10 तक गिनते हैं और इस हाथ में 1, 10, 2, 10 ऐसे गिनते रहते हैं। जब माला भी नहीं रहता है तो वैसे हम गिन सकते हैं, 10 तक तो गिन सकते हो, है ना? पता है ना 1 से 10 तक? तुम्हारा ब्राह्मण दीक्षा हो चुका ना? ओ अच्छा। अच्छा कोई बात नहीं। तो वैसे एक हाथ से 10 गिनते हैं, वैसे दो हाथ में ही गिनती करते हैं, एक हाथ में 1 से 10 तक और इस हाथ में जैसे 10 और 10 जब होगा 100 हुआ है, ऐसे गिनते हैं। जो कैलकुलेशन है ब्रह्मा जी के आई जो है 1000 चतुर्युग एक दिन और मनमंत्र 14 मनु, तो एक मनु की आयु 71 चतुर्युग? नहीं, आयु नहीं, आयु ये राजत्व काल, हाँ, और राज करते हैं, संभालते हैं। 71 चतुर्युग मनु सब ऐसे, वो भी सब अमर है। 1000 और 6 जो बाकी रह गया वो आने जाने में जो समय लगता है। यस वृंदा, वृंदा हैज अ क्वेश्चन। गोपाल और गोपी होती है उनकी 14-15 साल में उम्र उठ जाती है, तो
उनके पेरेंट्स के कितने एज होते हैं? पेरेंट्स के रूप भी वैसे पेरेंट्स का जितना होना चाहिए, सोचो लगभग 25 साल में जन्म हुआ और बच्चे को जन्म उम्र है 14 साल को, तो लगभग 39 इयर्स। वैसे जो ब्रज किशोर जो हैं, मतलब गोप सखा और सखियां सब नौजवान हैं, और पिता माता लगता है थोड़ा अधिक वयस्क, अधिक उम्र के हैं। डिफरेंस नहीं है, ब्रह्मा जी से ही आया व्यासदेव, व्यासदेव की धारा से चैतन्य महाप्रभु, हाँ तो एक ही लाइन है, एक ही लाइन में यह है। जैसे सब ब्रह्म मध्व संप्रदाय में है, जैसे मध्वाचार्य का जो संप्रदाय है, वो लोग चैतन्य महाप्रभु के धारा में नहीं आए हैं, लेकिन वो ब्रह्म संप्रदाय में है, ब्रह्मा के संप्रदाय में है, बल्कि महाप्रभु के संप्रदाय में नहीं है। थैंक यू। ओके, यस। नो, नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी, मतलब वेद का जो असल विचार जो है, उस विचार केवल भगवान को जानने के लिए ही है, लेकिन जो वेद को अध्ययन कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं, सबके लिए भगवान को जानकारी नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, वेदों से अदुर्लभ हम, लेकिन आत्मभक्तों अपने भक्त जब वेद के द्वारा भक्ति मार्ग में आ जाएंगे तब भगवान सुलभ हो जाएंगे, नहीं तो नहीं। ओके, निस्त्रय गुण भवार्जुन, राइट, वेरी गुड, राइट। कर्मकांड ज्ञान कांड जो है वो गुण के विचार से है, और निस्त्रय गुण, गुण के अतिक्रम करके सत्य रजो तमो, सत्वगुण को भी अतिक्रम करने करके जो शुद्ध भक्त, शुद्ध सत्व है, वो है भक्ति के स्तर। उस स्तर में जो पहुंचते हैं वो वेद की सिद्धांत सही रूप से जान लेते हैं। और इसमें जान सकते हैं क्या कि जैसे वेदों में एक आदमी को वेदेश वाला और जहाँ कृष्ण आया और वेद का उद्देश्य भक्ति भगवान को जानना है, तो वेदों को पढ़ने वालों में भी जो तुम शरणागत है वही भगवान को जान सकते हैं? हाँ, वही भक्ति, भक्ति तक जब तक नहीं आएंगे तब तक नहीं चाहिए। कौन से ब्रज की जो कृष्ण प्रेम है उसका पूर्ण प्रकाश चैतन्य महाप्रभु के माध्यम ही द्वारा ही हुआ है। बल्लभाचार्य का मैं बोलूं, आप क्या बल्लभ संप्रदाय के हैं? ओपन, ओके, गुड। इसी बल्लभाचार्य वाज वेरी क्लोज, अच्छा हिंदी में ही बोलता हूँ, बल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बहुत नज़दीक थे और उन दोनों में बहुत ही गहरा प्यार की संपर्क था, और बल्लभाचार्य गदाधर पंडित से दीक्षा भी लिए थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के धारा में ही ब्रह्म बल्लभाचार्य थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कभी कभी बल्लभाचार्य को डांटते थे,
तो देखिए चैतन्य महाप्रभु के पश्चात जब वृंदावन के गोस्वामी ने प्रचार कर रहे थे, वल्लभाचार्य तब मथुरा में रहते थे और उनके साथ बहुत ही गहरा संपर्क उनको भी था। वल्लभाचार्य का जो लड़का वो उनको बहुत ही मदद दे रहे थे। जब श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी के निर्देश अनुसार सारे ग्रंथ जो गोस्वामी ने लिखे थे वो बंगाल में लाने का निर्देश मिला था, तो वल्लभाचार्य का पुत्र ही उनको सारे बंदोबस्त किए थे। वो बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति थे वल्लभाचार्य, राजपंडित थे, वैभव बहुत था उनका। लेकिन जब चैतन्य चरितामृत जब प्रकट हुआ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, और जब वल्लभाचार्य के जो अधस्तन व्यक्तिगण जब देखा कि महाप्रभु ने इस तरह वल्लभाचार्यों को डांटा, तो वो सहन नहीं कर पाया। तो इसलिए उन्होंने महाप्रभु के साथ, इस संप्रदाय के साथ जो संपर्क था, वो संपर्क से निकल गए थे। ये मुश्किल हो गया। तो वल्लभाचार्य का जो शिक्षा है उसमें भी ब्रज का ही वर्णन हो रहा है, लेकिन चूंकि महाप्रभु को स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसलिए मुश्किल हो गया। चैतन्य महाप्रभु है महाप्रभु, उन्होंने वल्लभाचार्य को महाप्रभु के नाम में संबोधन करना शुरू किया। गौड़ीय वैष्णव के साथ अर्थात चैतन्य महाप्रभु की धारा में, जो संप्रदाय में जो ये हैं, उसको अस्वीकार कर दिया। जैसे श्रीनाथ जी के जो विग्रह, असल में वो गोपाल विग्रह हैं जो माधवेंद्र पुरी ने जिनको प्रकट किया था, मतलब जिनको उद्धार किए थे, लेकिन उन लोग नहीं मानते हैं। जब पूछते हैं कि ये विग्रह कहाँ से मिला है, कैसे आया, वो बोलते हैं सब ये वल्लभाचार्य के पास प्रकट हुआ था। तो ये ही मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि देखिए प्रभु अपने भक्तों को डांट सकते हैं, इवन मार भी सकते हैं, दो चार थप्पड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है कि वो भक्त, शिष्य का जो अनुजाई है, वो अगर सोचते हैं क्यों हमारे प्रभु को क्यों ऐसे बोला, क्यों ऐसे डांटा, उनके साथ मेरा कोई संपर्क नहीं है, ये हो गया मुश्किल। देखिए हमारे विचार में वल्लभाचार्य कौन है? हमारे विचार में वल्लभाचार्य हैं सुखदेव। हम वल्लभाचार्य को इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये मुश्किल हो गए। हरे कृष्ण। मैंने तो जो कुछ अध्ययन किया और भी उनका सबका अध्ययन भी किया और ये निष्कर्ष प्राप्त किया कि जितने भी मत मतांतर हैं और जो प्रमाणित भी हैं, उसमें भी जब तक कोई चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को जैसे काल मैं जैन धर्म के बारे में बोल रहा था, ऋषभ देव अवधूत थे, नंगा घूमते हैं, कोई बाहर के कोई उनका चेतना नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं है कपड़ा पहने हुए है या नहीं है, क्योंकि उनका चेतना शरीर में नहीं है, भगवान की चरण कमल में, और हजारों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो कंका और बेंका के जो राजा थे, अरहत ने सोचा कि मैं राजा हूँ लेकिन मेरे पीछे इतने आदमी नहीं जाते हैं, चलो मैं ऐसे अगर साधु बन जाते हैं तब बहुत लोग मेरे साथ चलेंगे। तो उन्हें
ऐसे उनका अनुकरण करना शुरू किया और उससे ही जैन धर्म का प्रवर्तन हुआ है। आप पूछिएगा आपका धर्म का ये कहाँ हुआ है, उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, शुरुआत कहाँ से हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं कि ऋषभदेव, बल्कि ऋषभदेव के साथ ऋषभदेव की जो शिक्षा है वो तो आप नहीं मानते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऋषभदेव के अनुयायी हैं आप लोग। और काफ़ी आदमी बोलते हैं कि हम अरहंत हैं हमारे प्रवर्तन, लेकिन धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान धर्म का प्रवर्तन भगवान से होता है या भगवान के भक्त से होता है जो भगवान के वाणी की ही प्रदान करके वो प्रवर्तन करते हैं। लेकिन ये कैसी विचार हैं, भागवत का विचार से उसका लगता है, भगवत गीता का विचार लगता है नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, जो कारागार है कौन बनाता है, राजा बनाता है, बल्कि कारागार में कौन जाता है, कैदी जाता है, क्यों जाता है, हाँ, गलत काम करने के कारण। तो इसलिए क्या राजा को हम इल्ज़ाम दे सकते हैं, राजा क्यों कारागार बनाया और कैदी को भेजा है, राजा नहीं भेजा है, कैदी खुद गए हैं वहाँ। तो वैसे भगवान ये कारागार जैसे ये भौतिक जगत को बनाया और हम खुद यहाँ वापस आया, खुद यहाँ प्रवेश किया, समझे ना, अपने काम के अनुसार हम यहाँ आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो जेल है वहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छा सोने को नहीं मिलता, लेकिन ये जेल पे अच्छा खाना मिलता है, सोने मिलता है, इसलिए इसमें फंस सकते हैं। प्रिजनर्स भी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फिफ्थ क्लास है, कारागार में सबके एक ही तरीका का है, कैदी नहीं, अपना कर्म के अनुसार, अपने अपराध के अनुसार उसको सजा मिलता है। तो ऐसे भौतिक जगत में कोई फर्स्ट क्लास प्रिजनर है और कोई सिक्स क्लास प्रिजनर है। यस, अच्छा उनको उसके बाद हम पूछेंगे। मेरा प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य का हम इतिहास जब देखते हैं तो उसमें कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि महाभारत की जो रचना हुई थी उस समय पर तो उसमें श्लोकों की संख्या काफी कम थी और उसके बाद में कुछ काफी हिस्सा प्रक्षिप्त है, तो इसके बारे में हमें क्या समझना चाहिए? इसके बारे में हमें समझना चाहिए कि महाभारत में 100 श्लोक हैं, 100,000,00,000 श्लोक हैं, और स्वर्गलोक में जो महाभारत हैं उसमें उससे 7 गुण अधिक श्लोक हैं, कम नहीं ज़्यादा है। अर्जुन क्या खा रहा था उसका विचार है, कब क्या खा रहा था, ये महाभारत हमारे यहाँ के महाभारत में नहीं है। द्रौपदी के साथ अर्जुन का क्या बातचीत हो रहा था उसका वर्णन है। तो ये कम से अधिक 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 से अधिक हो सकते हैं। जैसे भागवतम में जो कुछ वर्णन हुआ है संक्षिप्त रूप में वर्णन हुआ है। श्रील सनातन गोस्वामी में बृहद भागवतमृतम लिखे हैं, भागवतम का विस्तृत रूप। ये जो ऐसे आप हम ऐसे साधारण विचार में, भौतिक विचार में जिसको हम पंडित समझते हैं, स्कॉलर समझते हैं, असल में वो स्कॉलर नहीं है, उनका माया अपरिहित ज्ञान, उनके ज्ञान माया अपहरण कर लिया है, समझे, उनको सुनना मत। मेरा सही ये सिंपल इंस्ट्रक्शन, डोंट लिसन टू देम,
If you want to make progress in spiritual life, don't listen to them. Listen to Srila Prabhupada and Prabhupada's followers. Can you tell me? जरूर जरूर तो नाम और रूप के अधिष्ठान के रूप में अगर भगवान कृष्ण को रख कर के अगर साधना में आगे बढ़ना चाहे तो उचित है मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से पूछता हूँ जैसे भगवान कृष्ण का पूरा ब्रह्म संहिता में पढ़ा तो उसमें क्योंकि वो बहुत कुछ सुन के समझ के रखा हुआ है तो इसलिए उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी को सेट करने के लिए जैसे आपने कहा कि उनको सुखदेव गोस्वामी के रूप में महाप्रभु जी को देखने की बात है कंसीडरिंग एवरीथिंग एज अ सबसेट ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी इस तरह से करना इनर कनेक्टिविटी सेट करूं तो अच्छा बहुत अच्छा हाँ शंकराचार्य है शंकर भगवान शिव जी कौन है भगवान की भक्त है लेकिन भगवान ने शिव जी को निर्देश दिया मद विमुखान कुरु हमसे विमुख कर दो इसका उद्देश्य ये था आप दशावतार स्तोत्र में बुद्ध देव के आगमन का वर्णन शायद आपको पता है निंदसी यज्ञ विदेह श्रुति जातं सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृत बुद्ध शरीर मतलब कलिजुग के प्रभाव से वेदों की यज्ञ की ये देकर एक्सक्यूज देकर यज्ञ की नाम से पशु बलि हो रहा था बहुत पशु बलि हो रहा था यज्ञ में वेद में यज्ञ के द्वारा पशु बलि का निर्देश है लेकिन विशेष विशेष रूप से विशेष विशेष अवस्था से परिस्थिति से ऐसे नहीं कि चलो पशु मारते रहेंगे और ये हमारा वेद की विचार है लेकिन भगवान ये देखकर भगवान को वेद के नाम में नाम से जो पशु हत्या हो रहा था ये देखकर भगवान का सदय हृदय भगवान का दिल बहुत दयालु है ये पशुघातम देखकर पशु हत्या देखकर भगवान का सदय हृदय दुखी बन गए तो ये पशु हत्या बंद करने के लिए भगवान केशव धृत बुद्ध शरीर बुद्ध देव के रूप में आए अच्छा वेद की आधार पर यज्ञ हो रहा था पशु बलि हो रहा था तो ये पशु बलि बंद करने के लिए बुद्ध देव आकर क्या किया वेद को त्याग दिया वेद का जरूरत नहीं है जीवन का उद्देश्य है ये सदाचार भले आदमी बनो सत्तंग बद धर्मं चरो ये सब निर्देश दिया सच बोलो हिंसा मत करो दूसरे को दुख मत डालो तो ये है उनका निर्देश शिक्षा बहुत सरल शिक्षा और उन्हें बताया कि असल जीवन का असल उद्देश्य है शून्य में लीन हो जाना वो बौद्ध दर्शन जो है वो उसका विचार ऐसी है कि ये जगत दुखमय है और दुख प्राप्ति के कारण है ये शरीर अगर ये शरीर नहीं रहेगा तो दुख भी नहीं रहेगा तो उसको निर्वाण कहा गया ये शून्य में लीन होना इसलिए बौद्ध धर्म का जो विचार है उसको शून्यवाद कहते हैं शून्यवाद अंग्रेजी में बोलते हैं Voidism, शून्यवाद तो ऐसे बुद्ध देव ने अहिंसा धर्म को प्रवर्तन करके उन्हें पशु हत्या बंद किया लेकिन वेद को त्याग दिया तो आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से मिलेगा भगवान को जानकारी कैसे होगा तो वेद को पुनः प्रतिष्ठा करने का जरूरत पड़ा तो इसलिए शंकर महादेव शंकराचार्य के रूप में आए पद्म पुराण में शिवजी पार्वती को कह रहे हैं
मायावादम अशत्शास्त्रम प्रच्छन्न बौद्धम उच्यते मयैव विहितं देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। मायावादम अशत्शास्त्रम, मायावाद नामक, मायावाद नाम के और विचार के एक असत मतलब अनित्य, जो क्षण भर के लिए इसका ज़रूरत है। अशत शास्त्रम एक शास्त्र सिद्धांत मैं अपनाऊंगा, मैं प्रवर्तन करूंगा। अशत शास्त्रम जो है प्रच्छन्न बौद्धम, बुद्धवाद का ही प्रच्छन्न रूप असल में है। ये जो विचार ये बुद्धवाद ही है, लेकिन और दूसरा नाम में इसको प्रवर्तन हो रहा है। प्रच्छन्न बौद्धम उच्यते मयैव विहितं देवी, मेरे द्वारा ही इसका प्रवर्तन होगा। कलौ ब्राह्मण मूर्तिना, कलियुग में ब्राह्मण के रूप में, वो है शंकराचार्य। तो शंकराचार्य आकर क्या किया, शंकराचार्य आकर बताया कि आप जो बुद्धवाद में जो निर्वाण जो है, ये निर्वाण शून्य में नहीं लीन होना, ये निर्वाण का मतलब है पूर्ण में लीन होना। हाँ, ये वेद का विचार है। वेद में जो निर्वाण का बीच ये आप जो शब्द हैं, ये सिद्धांत जो है, ये आप वेद से लिया हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग गलत रूप से हो रहा है। शून्य में लीन नहीं, पूर्ण में लीन होना, और पूर्ण क्या है, ब्रह्म, ब्रह्म में लीन होना ही उद्देश्य है। तो ये इस ढंग से शंकराचार्य बौद्धवाद को खंडन करके वेद को पुनः प्रतिष्ठा किया। तो सवाल हो सकता है, तो वेद का ऐसे पुनः प्रतिष्ठा करने का क्या ज़रूरत था? ज़रूरत इसलिए था, अगर पूर्ण रूप से वेद का सिद्धांत देंगे तो उन लोगों ने नहीं मानेंगे। एक ये अंग्रेजी में एक शब्द आता है, टू पुल अ नीडल विथ अनदर नीडल, कांटा से कांटा निकलना है। तो ऐसे कांटा के द्वारा कांटा निकल रहे हैं। तो ऐसे इस ढंग से शंकराचार्य ने पुनराय वेद को प्रतिष्ठा किया। तो तत्पश्चात रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बर्काचार्य, विष्णु स्वामी आकर पूर्ण रूप से जो वेद का जो असल सिद्धांत, निराकारवाद के ऊपर साकारवाद का प्रतिष्ठा किया। जो शंकराचार्य को जो मायावाद उसको खंडन करके जो मायावाद कहते हैं उसको असल नाम है केवलाद्वैतवाद, केवल अद्वैतवाद, एकदम प्योर अद्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य इस मतवाद को खंडन किया अपना विशिष्ट अद्वैतवाद के द्वारा, विशिष्ट अद्वैतवाद। और उसके बाद मध्वाचार्य आकर द्वैताद्वैतवाद, ऐसे वेद का सही विचार जो है उसका स्थापना हुआ, लेकिन शंकराचार्य के अनुयायी और वैष्णव के बीच में एक संघर्ष उत्पन्न हुआ। तो इस संघर्ष को संशोधन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आकर अचिंत भेद अभेद बात प्रतिष्ठा किया। कोई बोलता है भेदी सिद्धांत है और कोई बोलता है अभेदी सिद्धांत है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने वो भेद और अभेद को मिलाया अचिंत के द्वारा। अचिंत का मतलब है प्रकृतिभ्यो परे जस्तु तद अचिंतस्य लक्षणम्। अचिंत का लक्षण जो चिंता की अतीत कौन है, क्या है, जो हमारे चिंता के मन की जो चिंतन है उसके अतीत है। आध्यात्मिक जगत जो है वो हमारे चिंतन के अतीत है। प्रकृतिभ्य परे जस्तु तद अचिंतस्य लक्षणम्। प्रकृति के जो परे जो है उसको हम हमारे मन के चिंतन के द्वारा हमको समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए उस विषय में मतलब पहले ही अचिंत रूप से इसको ग्रहण करना होगा। चिंता के हमारे चिंतन के अतीत हैं। और कैसे
भेद अभेद कैसी हैं। भेद ये हैं, भगवान है पूर्ण, हम हैं अंश क्षुद्र। भगवान, लेकिन भगवान का जो गुण है वो गुण भगवान में भी है, हम में भी है। सूरज और सूरज के किरण, सूरज सूरज में भी ताप है और ज्योति है, किरण में भी ताप है और ज्योति है, लेकिन सूरज है पूर्ण और ये है अंश, हम सब हैं अंश। भगवान भी सच्चिदानंद, हम भी सच्चिदानंद, लेकिन हम तभी सच्चिदानंद बन सकते हैं जब हम भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ लेते हैं, नहीं तो संभव नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।